मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक स्किन लीजन्स। स्किन लीजन मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ पहले, क्योंकि हम उससे बाद में स्किन डिसऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे। स्किन लीजन के बारे में शॉर्ट नोट आई एम एक्सप्लेन। ए लीजन इज एनी डैमेज और एबनॉर्मल चेंज इन द टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजली, यानी किसी ऊतक में एबनॉर्मल चेंज या डैमेज होना, उसको हम लीजन कहते हैं। स्किन लीजन्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डर्मोलॉजिकल कंडीशन। यह डर्मोलॉजिकल कंडीशंस की यानी एक प्रमुख विशेषता है। दे वेरी साइज, शेप एंड कोज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अदर अपीयरेंस एंड ऑर्गेन। स्किन लीजन्स कैन बी डिस्क्राइब एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी। स्किन लीजन्स को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनके शेप के आधार पर, उनके कोज के और क्लासिक अकॉर्डिंग केयर अपीयरेंस ऑफ ऑर्गिन स्किन। फर्स्ट है प्राइमरी लीजन्स। प्राइमरी लीजन्स आर द इनिशियल लीजन्स एंड आर अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। सेकेंडरी रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल कोज सच एज और चेंज कोज बाय वाउंड हीलिंग। ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड जो लीजन्स के टाइप हैं वो आपको मैं एक डायग्राम से डिस्क्राइब करता हूँ। इसके अंदर प्राइमरी लीजन्स में आते हैं मैक्यूल्स, पेपिल्स, नोडुल्स, वेसिकल्स, पुला, पोस्टुल्स, व्हील, प्लेक एंड सिस्ट। जो मैक्यूल्स हैं फ्लैट होते हैं, नॉन पेल्पेबल होते हैं, चेंज इन द स्किन कलर विद डिफरेंट साइज शेप कलर यूजुअली स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर। एग्जांपल के लिए रूबेला, स्कारलेट फीवर और फेकलेस। दूसरा होता है पेपुल। पेपुलेबल सॉलिड होते हैं, राइज डिलीजन दैट इज ए लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर ड्यू टू सुपरफिशियल थिकनिंग इन द एपिडर्मिस। एग्जाम्पल के लिए रिंग वॉर्म, वॉर्म एंड मोल। थर्ड है नोड्यूल। ये प्राइमरी लीजन्स है, सॉलिड एलिवेटेड लीजन्स दैट इज ए लार्जर एंड डीपर देन ए पेपुल्स। एग्जाम्पल के लिए फाइब्रोमा, इंट्राडर्मल नेवी। फोर्थ है वेसिकल्स। ए स्मॉल विस्ट लाइक राइज्ड एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द कंटेंट्स सीरियस फ्लूड यू अप टू 1 सेंटीमीटर डायमीटर। एग्जाम्पल के लिए पॉइजन नेवी, सिंगल्स एंड चिकन पॉक्स। फिफ्थ है बुला। ए फ्लूड फिल्ड वेसिकल्स प्लेस्टर लार्जर देन 1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के बर्न्स और कॉन्टेक्ट डर्मेटाइट्स होते हैं, उनमें ये होते हैं। सिक्स्थ है पोस्टुल, स्मॉल एलिवेटेड ऑफ स्किन और वेसिकल्स ऑफ बुला दैट कंटेंट्स लिम्फ और पस, इम्पिटिगो, स्केबिस एंड एक्नी। नेक्स्ट इज व्हील, राउंड ट्रांसिट्स elevations of the skin caused by dermal edema and surrounding capillary dilation, white in center and red periphery। example के लिए hives, insect bites। next है plaque। a patch is a solid raised lesions on the skin and mucous membrane that is a greater than 1 centimeter diameter। example के लिए psoriasis। नेक्स्ट है सिस्ट। ए क्लोज्ड सैक ए पाउच ऑफ द कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। सिस्ट में एग्जांपल के लिए सभी सिस्ट। सेकंड है सेकेंडरी लीजन्स। सेकेंडरी लीजन्स होते हैं ड्राई एक्सफोलिएशंस ऑफ डेड एपिडर्मिस दैट मे डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। एग्जांपल के लिए वेरी ड्राई स्किन्स, क्रैंडल कैप, एसोरेसिस। फेक क्रस्ट, ए स्कैप फॉर्म्ड बाय ड्राई सीरम पस ब्लड, इन्फेक्टेड डर्मेटाइटिस, इम्पिटिगो। नेक्स्ट है एस्कोरिएशंस, ट्रोमेटाइज्ड एब्रेशंस ऑफ द एपिडर्मिस इन लीनियर स्क्रैच मार्क्स। एग्जांपल स्केपिस्ट, डर्मेटाइटिस, बर्न। नेक्स्ट है फिशर्स, ए सिल्ट ऑफ क्रैकल सोर्स ऑफ द एक्सटेंड इन टू डर्मिस यूजली ऑफ द कंटिन्यूड इन्फ्लामेशन ऑफ द ड्राइंग। एग्जाम्पल के लिए एथलेट फूट या एनाल फिशर्स। नेक्स्ट है अल्सर,
एन ओपन सोर्स ऑफ द लीजन द एक्सटेंड द डर्मिस प्रेशर सोर्स. नेक्स्ट है लिचन इन्फिल्केशंस थिकनिंग एंड हार्डिंग ऑफ द स्किन फ्रॉम कंटिन्यू इरिटेशन सच एज फ्रॉम इंचन स्केचिंग. नेक्स्ट है एंड लास्ट स्कार ए मार्क लेफ्ट इज द स्किन ड्यू टू फाइब्रोटिक चेंज फ्लोइंग हीलिंग और ए वाउंड सर्जिकल इंसीजन. ये आपके लीजन्स हो गए प्राइमरी. अब नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर, यानी हम एक्जिमा एंड डर्मेटिस में डिफरेंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम एक्जिमा एंड डर्मेटिस की पैथोलॉजी एंड इटियोलॉजी देखेंगे. तो पहले हम एक्जिमा देखते हैं. एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा मोस्ट कॉमनली इन अर्ली एक्यूट स्टेज ऑफ द डिजीज. यह मोस्ट कॉमनली हाथ और पैरों में, पाँव में ये डिजीज पाई जाती है, जैसे हाथों में क्रैक्स क्रैक्स वगैरह. एक्जिमा कम फ्रॉम ऑफ द ग्रीक नेम बॉइलिंग, ए रेफरेंस टू द टिनी वेंशियल्स बबल्स दैट आर कॉमनली सीन्स इन द अर्ली एक्यूट स्टेज ऑफ डिजीज. नेक्स्ट है डर्मेटिस. डर्मेटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडर्मल लेयर. ये एपिडर्मल लेयर का इन्फ्लामेशन होता है जिसमें डर्मेटिस कहते हैं. इसके लिए मुसलबली दो लेयर होती है, डर्मिस एंड एपिडर्मिस एंड डर्मिस. तो ये इन्फ्लामेशन होता है ऊपर की लेयर, यानी एपिडर्मल लेयर का इन्फ्लामेशन होता है. तो एपिडर्मिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इचिंग रेडनेस एंड स्किन लीजन्स विद वेरीफाइंग बॉर्डर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स. डर्माटाइटिस यानी डर्मा मतलब स्किन्स एंड एटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशंस. तो ये हो गया डर्माटाइटिस. अब है इसके टाइप्स. देर आर थ्री कॉमन टाइप्स होते हैं. पहला होता है कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस. डर्माटाइटिस एज एक्सपोजर टू एन एलर्जेंस और इरिटेंट सच एज सोप परफ्यूम एज पॉइजन एवी. जो कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस होता है वह इज एन रिएक्शन ऑफ द स्किन एंड फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि सोप है, परफ्यूम है, पॉइजन से भी. दूसरा है एटोपिक. एटोपिक डर्माटाइटिस में टेंड्स टू बी हेरिडिटी एंड एसोसिएट विद एलर्जिक अस्थमा. ये हेरिडिटी होते हैं और जैसे कि एलर्जिक अस्थमा है तो उसमें एटोपिक डर्माटाइटिस आते हैं. दूसरा है सिबोर्बिक डर्माटाइटिस. अकर्स मोस्ट ऑफ द स्काल्प्स यूजली इन द इंडिविजुअल विद ऑयली स्किन. इसमें मोस्ट ऑफली तो स्काल्प वाले एरियाज है या ऑयली स्किन वाले एरिया पे ये काफ़ी सिबोर्बिक डर्माटाइटिस होते हैं. अब प्रिवेंशंस. प्रिवेंशन में द पेशेंट शुड प्रिवेंट इरिटेशंस टू द स्किन बाय अवॉइडिंग इरिटेंट्स एलर्जीज एंड एक्सेसिव हीट एंड ड्राइनेस एंड बाय कंट्रोलिंग परपिरेशंस. जो पेशेंट है वो प्रिवेंट इरिटेशन टू स्किन बाय अवॉइडिंग इरिटेशन एलर्जी एंड एक्सेसिव हीट. ज़्यादा हीट और ड्राइनेस एंड कंट्रोलिंग प्रिपरेशन उन सबको रोकने से इस डिजीज से रोका जा सकता है. बाथ शुड बी सॉर्ट टेपिक वाटर. जो नहाने का है वो टेपिक वाटर से ही नहाए. डिओडेंट सोप शुड बी अवॉइडेड. जो डिओडेंट सोप है उनको नहीं लेनी चाहिए. माइल्ड सुपर फैटेड सोप्स आर रिकमेंडेड इंस्टीड. जो माइल्ड सुपर फैटेड सोप्स है उन्हीं को इस्तेमाल करें. नेक्स्ट ड्राई स्किन कैन बी लुब्रिकेट विद क्रीम्स ऑयल्स ऑइंटमेंट्स एज एप्रोप्रिएट. यानी जो ड्राई स्किन है उसको लुब्रिकेट करते रहें क्रीम्स या ऑयल या ऑइंटमेंट से. इचिंग स्क्रैचिंग शुड बी प्रिवेंटेड एज मच एज पॉसिबल. इचिंग और स्क्रैचिंग को काफ़ी हद तक जैसे पॉसिबल हो ना करें. नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम. पहला है इचिंग एंड रैशेस आर लीजन्स आर ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ डर्माटाइटिस. जो मेन सिम्टम है वो लीजन्स का हुआ है इचिंग एंड रैशेस. द लीजन्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोकेशन डर्माटाइटिस. जो लीजन्स है वो डिपेंडिंग होता है जो डर्माटाइटिस की लोकेशन और टाइप पे कि कहाँ का डर्माटाइटिस है, कौन से एरिया. रैशेस एंड लीजन्स मे प्रजेंट एज ड्राई फेल्की स्काल्प येलो क्रस्ट रेडनेस मिकल्स पिपल्स एंड वेसिकल्स. स्क्रेचिंग कैन मेक एनी ऑफ दीज लीजन्स वर्स.
नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या होते हैं इसमें। कॉम्प्लिकेशन में पहला है लीजेंस और रैस वर्सेस विद कंटिन्यूड इरिटेशन एक्सपोजर टू ऑफरिंग एजेंट्स और स्क्रैचिंग। नेक्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द स्किन्स आर कॉमन एंड मे बी ड्यू टू द मैनी ओपन एरियाज एंड ब्रेक्स इन द स्किन एज वेल एज पेशेंट्स रिलूटेंस ऑफ प्रॉपरली वॉश द इफेक्टेड एरियाज बिकॉज ऑफ पेन फ्रॉम द लीजन्स। सम इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बिकम सिस्टमेटिक। अब इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द यूजली बेस्ड ऑन हिस्ट्री सिम्टम एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स। जो क्लिनिक फाइंडिंग और हिस्ट्री है उसी पर डिपेंड रहेगा। इफ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड कल्चर्स ऑफ द लीजन्स मे बी ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टिंग एजेंट्स। अगर कुछ एजेंट्स मिल रहे हैं तभी हम इसकी कल्चर यस लीजन्स मे बी ऑर्डर टू आइडेंटिफाई। अगर आइडेंटिफाई हुए तो ही करेंगे। अब थेरापेटिक मेजर्स या मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स है वो क्या होगा। ट्रीटमेंट वेरियस अकॉर्डिंग टू सिम्टम। जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम के अकॉर्डिंग होगी। बेसिक ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव आर नो सेंट्रल ईचिंग एलिवेशन डिसकम्फर्ट एंड पेन डिक्रीज इन्फ्लामेशन। जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें खुजली एलिवेटेड सिर्फ डिसकम्फर्ट पेन डिक्रीज कंट्रोल और प्रिवेंट क्रश इन्फॉर्मेशन एंड ऊजिंग प्रिवेंट इन्फेक्शन प्रिवेंट फर्दर डिमेज टू द स्किन हील द लीजन्स एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट ईचिंग एज डिसकम्फर्ट कैन बी सम वॉट रिसीव बाय एंटी हिस्टामिन एनाल्जेसिक्स एंड एप्रिशिएट मेडिकेशन आर ऑर्डर। जो ईचिंग और डिसकम्फर्ट कैन बी सम डिफिकल्ट वॉट रिसीव बाय एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं, जो भी एनाल्जेसिक हैं और एंटी प्यूरेटिक ड्रग्स मेडिकेशन है जो ऑर्डर किए गए वे ले सकते हैं। स्टेरॉइड सच एज हाइड्रोकोर्टिसोल एंड मेथिलप्रेडनिसोलोन मे बी यूज टू बी सुप्रेस इन्फ्लामेशन। अगर ज़्यादा इन्फ्लामेशन है तो हम स्टेरॉइड को भी यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोल एंड मेथिलप्रेडनिसोलोन। दे कैन एडमिनिस्टर्ड एज ए टॉपिकल इंट्रालीजेंस और सस्पेटिक एजेंट्स। इसमें हम टॉपिकल एजेंट्स यानी ड्रॉप्स और इंट्रालेजिकल और सस्पेटिक एजेंट्स को भी जो मेडिकेशन होती है वो भी यूज कर सकते हैं। टब पाथ्स विद ड्रेसिंग यूजिंग टू प्रिवेंट फर्दर क्रश फॉर्मेशन। अगर किसी तरह की क्रश फॉर्मेशन है तो हम उसमें ड्रेसिंग का भी यूज कर सकते हैं, ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। दे आल्सो सीव टू लूजन एक्सुटरी स्काल्स अदर बाउंड डेब्रीज। प्रोवाइडिंग ए क्लीन एरिया एंड टिपिकल एप्लीकेशन एंड मेडिकेशन प्रोटेक्ट स्किन लाइटली पुटिंग ए ड्राई अवॉइडिंग फ्रिक्शंस एंड अवॉइडिंग हॉट वाटर। और हॉट वाटर को अवॉइड करेंगे। अब ये नर्सिंग प्रोसेस फॉर द पेशेंट्स विद डर्मेटिस। पहला है डाटा कलेक्शंस। डाटा कलेक्शन में ये रहेगा ऑब्जर्व द रेस लीजन्स फॉर चैरेक्टरिसेज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिप्शन टेंडरनेस साइन ऑफ स्क्रैचिंग एंड अदर एसोसिएट प्रॉब्लम्स। डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम जो भी है उस सभी का डाटा कलेक्शन करना है, जिसमें डिस्क्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन टेंडरनेस साइन और स्क्रैचिंग एंड अदर एसोसिएट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। पहला डाटा कलेक्शन, अब दूसरा नर्सिंग डायग्नोस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला लेंगे हम इसमें इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रेटेड रिलेटेड टू रेस लीजन्स एंड स्क्रैचिंग। जो लीजन्स है और स्क्रैचिंग है और रेस है, उन तीनों को लेके हम इसमें इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रेटी करेंगे। पहले देखेंगे मॉनिटरी स्किन कंडीशन रेगुलरली टू डिटरमाइन इफ ट्रीटमेंट इज वर्किंग। दूसरा क्लीनिश द एरिया ऑर्डर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर केयर नॉट टू बी इरिटेट द स्किन फर्दर टू कीप एरिया क्लीन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट प्रोवाइड कूल मॉइस्ट कंप्रेस ड्रेसिंग और टेपिड टब वाटर हेल्प रिलीव इन्फ्लामेशन एंड ईचिंग डिब्रेड लीजन्स एंड सॉफ्टन क्रस्ट एंड स्काल्स। नेक्स्ट है पैट द स्किन ड्राई रेदर देन रबिंग टू प्रिवेंट फर्दर ट्रोमा। अप्लाई टॉपिकल एजेंट्स इन ऑर्डर टू हेल्प सुप्रेस इन्फ्लामेशन एंड ईचिंग। प्रोवाइड स्किन केयर एट बेड टाइम
टू हेल्प प्रमोट कंफर्टेबल स्लीप. नेक्स्ट इज इंकरेज पेशेंट्स टू ईट ए हाई प्रोटीन डाइट टू प्रमोट हीलिंग एंड रिप्लेस लॉस्ट प्रोटीन. इंक्रीजिंग यूज ऑफ द ग्लव्स और मिट्स स्पेशली एट नाइट टू हेल्प प्रिवेंट स्क्रैचिंग. एडवाइज द पेशेंट टू कीप फिंगर नेल शॉर्ट टू प्रिवेंट स्क्रैचिंग. टीच द पेशेंट टू दैट ए स्लाइट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ मे हेल्प रिलीव इचिंग. सेकेंड इज डिस्टर्बड बॉडी इमेज रिलेट टू विजिबल रेस और लीजन्स. ये नर्सिंग प्रोसेस में दूसरा है. डिस्टर्बड बॉडी इमेज अलर्ट टू पेशेंट्स वेरिएबल कंसर्न्स इफ दे विश टू डू सो. टॉकिंग अबाउट कंसर्न्स मे हेल्प द पेशेंट्स टू बिगिन टू वर्क थ्रू फीलिंग अबाउट बॉडी इमेज बट शुड नॉट बी फोर्स्ड. नेक्स्ट इज रेफर टू सपोर्ट ग्रुप इफ अवेलेबल टू रिसीव सपोर्ट फ्रॉम अदर इन सिमिलर सर्कमटेंसेस. डिस्प्ले एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड विल केयरिंग फॉर स्किन लीजन्स. इनक्रेज द पेशेंट्स टू पार्टिसिपेट ऑफ स्किन केयर टू एलो मोर सेंट्रल ओवर द सिचुएशंस. इनक्रेज द पेशेंट्स टू वियर स्लिप टू अदर एप्रोप्रिएट appropriate covering if the patient desires to make the lesions less noticeable. Nursing process में third है deficient knowledge related to disease and treatment. पहला है determine patient's baseline knowledge of condition and treatment. दूसरा है instruct the patient application topical agents and dressings. थर्ड एडवाइज द पेशेंट्स टू अवॉइड ओवर एक्सपोजर टू सन एंड द यूज सनस्क्रीन एजेंट्स व्हेन आउटडोर्स टू प्रिवेंट स्किन डैमेज. थर्ड इज टीच द पेशेंट मेजर्स टू प्रिवेंट फ्यूचर फ्लेयर यूपीएस इफ पॉसिबल्स. नेक्स्ट इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन इफ मेडिकल एंड नर्सिंग केयर हैव बीन इफेक्टिव the lesions will be control or in remissions. The patient will be state that itching and other discomfort are controlled. The patient will be able to socialization without under difficulty. The patient will be able to describe and demonstrate self-care measure. The patient will be able to describe and demonstrate self-care measures. This topic is completed. Dermatitis. Then is inflammatory disease. Thank you, everyone.